भगवान है, लेकिन जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर है, उसने मनुष्य का आकार। ये देखो आप किस तरह यहाँ पे धर्मांतरण चल रहा है। रविवार रात हीरालाल के घर पर बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने के लिए पहुँचे तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये पूरा मेन हीरालाल है, पूरा ब्रेन वॉश कर रहा है इनका। हम जब यहाँ आए तो जबरदस्ती हम पे इल्जाम डाल रहा है, इसलिए हम अंदर नहीं गए, पुलिस वालों को बुला के यहाँ अंदर जाएंगे। सरपंच ने पुलिस से शिकायत की तो 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर बाद में फिर वो बाइबल भी देने लगे, यहाँ पढ़ो और ये पढ़ने से ठीक हो जाते हैं। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास भी गए थे तो वहाँ भी ठीक नहीं हो रहा था, और मैं हॉस्टल में रहती थी और बार बार घर आना पड़ता था। तो मेरी मम्मी ने मेरी मौसी बताया था, मौसी भी वही जाती थी ईसाई में। केकड़िया के भीम सिंह भी पहले इस प्रार्थना में जाते थे, फिर उन्होंने धर्म बदल लिया, लेकिन अब वो वापस हिंदू धर्म में लौट आए हैं। अपन हिंदू धर्म का है आदमी, वो तो बीमारी दुख तकलीफ में जाना ही पड़ता है सर। अच्छा, बीमारी दुख में गए थे आप? हाँ। ऐसा अपन कोई धर्म बदला नहीं था। राजधानी भोपाल के केकड़िया गांव की इस महिला का दावा है कि यहां प्रार्थना के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसा गांव के एक दो नहीं बल्कि 7 से 8 आदिवासी परिवारों के साथ हो चुका है। जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर है, उसने मनुष्य का आकार। ये देखो आप किस तरह यहाँ पे धर्मांतरण चल रहा है। रविवार रात हीरालाल के घर पर बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने के लिए पहुँचे तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये पूरा मेन हीरालाल है, पूरा ब्रेन वॉश कर रहा है इनका। हम जब यहाँ आए तो जबरदस्ती हम पे इल्जाम डाल रहा है, इसलिए हम अंदर नहीं गए, पुलिस वालों को बुला के यहाँ अंदर जाएंगे। सरपंच ने पुलिस से शिकायत की तो 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इन पर आरोप है हीरालाल जामोद पर कि ये धर्मांतरण कराते हैं, हिंदू आदिवासी को ईसाई बनाते हैं। हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। हीरालाल जी, ये बताइए कि आप किस चीज की प्रार्थना करते हैं? सर, ईसा मसीह की प्रार्थना है। ईसा मसीह की जी। कब से कर रहे हैं? सर, कई सालों से। कई सालों से। हाँ। इस गांव के और कितने लोगों को आप इसमें शामिल करते हैं प्रार्थना सभा में? कितने लोग आते हैं गांव के? सर, ऐसा कोई अनुमानित नहीं है, जिसको लगता है आता है, जिसको नहीं लगता है नहीं आता। कितने लोग आते हैं? अनुमानित सर, कभी कभी 8-10 लोग आते, कभी 10-15-20 लोग आ जाते। गांव वालों की शिकायत है कि धर्मांतरण करने वाले उन्हें घरेलू झगड़ों, भूत प्रेत और इलाज के नाम पर झांसे में लेते हैं। द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसके आधार पर थाना रातीपुर में FIR दर्ज की गई है और उसके बाद में आगे की जांच कार्रवाई जारी है। खास बात है कि आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाएं मिलती रहें, इसलिए गांव के लोगों ने धर्म तो बदल लिया लेकिन सर ने नहीं बदला। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से रोहित श्रीवास्तव और नीलेंद्र पटेल की रिपोर्ट। प्रेज द लॉर्ड, मैं मसीही भाई बहन यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहन सलाम। मैं नीतीश कुमार। मेरे मसीही भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरह से कुछ लोग जो है चर्च के अंदर जहाँ पे दुआ प्रार्थना हो रहा था वहाँ पर आकर हंगामा काटा गया। मेरे मसीह भाई बहनों, यानी उस प्रार्थना स्थल को रोका गया जहाँ पर लोग नाइट प्रार्थना कर रहे थे। इसे कुछ लोग मसीह भाई बहनों नाइट प्रार्थना में कहते, नाइट में बैठ के एक साथ मिलकर दुआ प्रार्थना, यीशु मसीह की आराधना दुआ करना। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, जब कुछ नफरती चिंतुओं को पता चला, कुछ लोगों को पता चला कि यहाँ पे रात में दुआ प्रार्थना कर किया जा रहा है, तो वह लोग दुआ प्रार्थना के नाम को हटाकर ईसाई धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए वहाँ पर प्रार्थना सभा को भंग करते हुए नजर आया। मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ और विवाद होने के बाद वहाँ पे मामला को समझा गया। पुलिस भी एक्शन पे तुरंत आया, वहाँ पर पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि आपने पुलिस प्रशासन का भी बयान सुना होगा, पुलिस प्रशासन इस बात को बताया था कि मामले की जांच की जाएगी कि यहाँ पे क्या होगा। और बहुत सारी जो महिलाएं जो थी, जो रात में दुआ प्रार्थना कर रही थी, वो इस बात को बता रही थी, भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ दुआ प्रार्थना कर रहे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे आराधना कर रहे थे और आप लोग यहाँ पर आकर झूठा ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहा है। हम हमारा परमेश्वर जो है वह एक सच्चा जिंदा खुदा है और वही हमें चंगाई प्रदान करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, महिलाएं भी एक बात को, जो महिला थी जिसकी गवाही आपने सुन रहे थे कि हम जब चर्च गए तो वहाँ चर्च पे हमने क्या देखा कि यीशु की सामर्थ को महसूस किया और सामर्थ की वजह से हम चंगे हुए।
लेकिन मीडिया वाला इस बात को बता रहा कि वहाँ पर किस तरह का से ईसाई धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मेरे वसी आप ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर तो आप लोग भी जान रहे कि कोई किसी पास्टर्स को प्रलोभन, पास्टर जो है प्रलोभन किसी को नहीं देता है, पर तो खुद पैसा नहीं है खाने को, तो वो क्या प्रलोभन देगा। चलिए हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री की, यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन है जो लारे के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है। लेकिन बात वहाँ पर देखा जाए तो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जब से मोदी सरकार आया है तब से वो सब अपने कलिशिया के अंदर भी दुआ प्रार्थना कम कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर बड़ी मिनिस्ट्री जो है कभी भी छोटे पास्टर्स को कभी भी हेल्प करते हुए नजर नहीं आए। आए भी होंगे तो इक्का दुक्का, लेकिन कभी भी कोई भी बड़ी मिनिस्ट्री किसी को भी ये प्रलोभन या लालच दे के धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने इस चीज़ को होने दिया, क्योंकि बाइबल इस बात को साफ साफ बताती है कि किसी का भी प्रलोभन, लालच देना, धर्म परिवर्तन करना ये बाइबल के विरुद्ध माना गया है। अब बाइबल में कभी भी प्रलोभन देकर शब्द कोई यूज़ नहीं किया गया, लेकिन झूठा आरोप यहाँ पे लगा। अगर यही वो लोग रात में कथा करते, हिंदू लोग का कथा होता, तो वहाँ पे संभव है कि ईसाई धर्म परिवर्तन आरोप नहीं लगता। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की नाम लिया जा रहा था, दुआ प्रार्थना किया जा रहा था, और वहाँ पे एकत्र लोग बैठ के जैसे कि पास्टर्स इस बात को बता रहे थे कि मेरे पास मुझे 5 से 10 से 15 लोग ही आते हैं दुआ प्रार्थना के लिए, और मैं कभी किसी को बुला कर भी वो खुद से आते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस वीडियो क्लिक को देखकर आपका क्या राय है, क्या कमेंट से हमें ज़रूर बताइए, और थैंक यू। जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ब्लड प्रेशर को बहुत सारी आशीष और खुशियों से भर दे। आमीन।